हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। टुडे आई एम फीलिंग वेरी लो एंड अभी ऑफिस जाने का भी टाइम हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया हो। लेकिन वन ऑफ माय सब्सक्राइबर महेश चौहान, जिन्होंने मुझे कड़ूमले के बारे में बताया है, इसके टीज़र के बारे में। लेकिन जब मैंने कड़ूमले के बारे में गूगल पर सर्च किया तो यार देर इज़ नथिंग रिटन ओवर देयर। अब इसमें मुझे नहीं पता कि यार ये मेरे साथ हो रहा है या वाकई में ऐसा है, ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। खैर, बात करेंगे टीज़र की। तो स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होती है, विजुअली काफ़ी अच्छा लगता है। एक ऐसा फॉरेस्ट देखने को मिला जो सेम टाइम खूबसूरत भी है और सेम टाइम स्कैरी भी है। और कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिनको किसी भी तरह सर्वाइव करके इस फॉरेस्ट से निकलना है। और आप लोग जब इस टीज़र को देखोगे तो नरेशन के थ्रू हमें बताया जाता है कि आप लोगों ने टाइम ट्रेवल के बारे में सुना है, आप लोगों ने टाइम लूप के बारे में सुना है, लेकिन आपने नो टाइम के बारे में नहीं सुना है। तब ये नो टाइम क्या है वो तो हमें इस मूवी में जानने को मिलेगा। साथ साथ टीज़र में एक चीज़ और अच्छी लगी कि ये एक ऐसा फॉरेस्ट है जहाँ पर आप लोग दिन और रात के बीच का फ़र्क नहीं समझ सकते, यानी कि यहाँ पर कभी भी दिन होता है, कभी भी रात होती है। और ऐसे में जो लोग यहाँ पर फंसे हैं उनको ये समझ भी नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ से निकलेंगे कैसे। अब सवाल ये है कि भाई इनको यहाँ पर भेजा किसने, और क्या ये लोग ट्रैकिंग करने के लिए इस फॉरेस्ट में आए थे, या ये लोग रियल में इस फॉरेस्ट में है ही नहीं, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू ये लोग इस फॉरेस्ट में आए हैं, या हमको ऐसा लग रहा है कि ये लोग है लेकिन एक्चुअली ये लोग यहाँ पर नहीं है। तो बहुत सारी कंफ्यूजिंग बातें हैं जो हमें मूवी में ही देखकर मिलेगी। फिलहाल इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग हट के कन्नड़ इंडस्ट्री वाले प्रेजेंट कर रहे हैं जो कि अपने आप में एक अलग लेवल की बात है, और इसलिए हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये मूवी तभी हिट होगी जब इसकी स्टोरी, इसकी स्क्रीन प्ले, इसके एक्टर्स का परफॉर्मेंस और इसका डायरेक्शन, ये चारों डिपार्टमेंट में ये मूवी अच्छी होती है तो ही ये मूवी ऑडियंस को पसंद आएगी। फिलहाल इसके विजुअल्स अच्छे हैं, सिनेमेटोग्राफी अच्छा है, बीजीएम अच्छा है, और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छा लग रहा है। लेकिन मूवी रिलीज़ होने दो, वेट करो। फिलहाल मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कड़ूमले को, और आप लोग भी जाओ उसका टीज़र देखो। टीज़र अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरा नाम तो ज़रूर वहाँ पर लिखना कि भाई मेरे वजह से गए वहाँ पर यार, एटलीस्ट। चलो अब हम लोग बात करेंगे एक अपडेट की जो कि है कन्नड़ा मूवी हीरो से रिलेटेड। अब यार ये मूवी आपको 9 मई Z5 पर देखने को मिलेगी सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में, और यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग होता है क्योंकि जब आप लोग कन्नड़ा मूवी को रिलीज़ करो OTT पर तो एटलीस्ट उसको हिंदी डब में तो लाओ यार। जैसे कि अब व्यूअर इतना रिलीज़ हुई है, कितना पसंद किया हिंदी ऑडियंस ने, लेकिन अब रॉबर्ट मूवी को भी कन्नड़ा में रिलीज़ किया अमेजॉन प्राइम वीडियोज़ पर, तो उसको हिंदी में क्यों नहीं किया, जबकि खबर ऐसी आई है कि रॉबर्ट मूवी की हिंदी डबिंग हो चुकी है। तो अब उसको रिलीज़ कब करेंगे अमेजॉन वाले, कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे। और ये अमेजॉन पे होगी या नहीं होगी या यूट्यूब के किसी चैनल पे होगी ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू वॉच रॉबर्ट मूवी इन हिंदी। तो यार प्लीज़ यार एटलीस्ट मेरी बात तो सुनो यार, इतनी मैं रॉबर्ट मूवी को सपोर्ट करो तो तुम लोग भी एटलीस्ट मेरी बात सुन के, जो मेरे हिंदी व्यूवर्स है वो लोग रॉबर्ट मूवी देखना चाहते हैं। और सीरियसली वन ऑफ द 2021 बिगेस्ट हिट मूवी इज़ रॉबर्ट, एंड अगर हीरो की बात करें तो यार 2021 की वन ऑफ द यूनिक मूवीज एवर आई हैव सीन यार, मज़ा आ गया एक। और सही बात बोलूँ तो ऋषभ शेट्टी उन एक्टर्स में से, उन डायरेक्टर्स में से, उन प्रोड्यूसर्स में से एक है जिनकी मूवीज़ हमेशा आपको प्रॉमिस करती है कुछ डिफरेंट देने का, और वाकई में वो डिलीवर भी होता है। और हीरो मूवी भी अपने आप में बहुत ही यूनिक थी, हालांकि स्क्रीन प्ले में कुछ इतना खास दम नहीं था सेकेंड हाफ में, लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो तो एक ऐसा एफर्ट, एक ऐसी ट्राई हर किसी को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये मूवी आपको 9 मई Z5 पर सिर्फ कन्नड़ा लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, हिंदी में ये रिलीज़ नहीं हो रही है फिलहाल, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जून के महीने में ये हमें Z5 में हिंदी में भी देखने को मिले। उसके लिए तो हम लोग सिर्फ बस फिंगर क्रॉस ही कर सकते हैं। अब उसके आगे जो भी है वो फिल्म मेकर्स ही बताएंगे कि उसको हिंदी में रिलीज़ करना है या नहीं। हमने हमारी तरफ से बहुत कोशिश की कि भाई कुछ ऐसी कन्नड़ा मूवी से जो वाकई में हिंदी में रिलीज़ होना चाहिए, तो उनमें से हीरो भी एक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो अरहान एंटरटेनमेंट को सपोर्ट करो और मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री को सपोर्ट करता रहूँगा जैसे कि हमेशा करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।